press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सीरियल छोटी सरदारनी में महर अपने पापा के घर को पढ़कर खूब रोती है और यहीं प्रीति उसको समझा रही है। उस घर में महर के पापा की आखिरी कविता है जिसको पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। घर में महर के आने के बाद शुरू हुई है शादी के बाद की रस्में। महर सरब और परम के ख्यालों में मोनी बांध के अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई जिसमें परम ने अपने पापा नहीं बल्कि महर मम्मी को जिता दिया और इसी रस्म के बीच हुआ महर और सरबजीत के बीच एक रोमांटिक डांस। शादी हो गई है, रस्म रिवाज शुरू हो गई, एंट्री हो गई आपकी, सबसे पहली जो रस्म है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो सीन खिचड़ी के बाद वाली, खिचड़ी के बाद जो पहली रस्म थी वो गृह प्रवेश की थी, सॉरी, जिसमें अब जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो अंदर एंटर कर रहे हैं, बट उसमें इस बार एक और तीसरा इंसान था जो कि मेरा बेटा परम है, वो भी हमारे साथ आया था और वो कैसे ढोल बाजे के साथ महर को अंदर लेके जाता है और फिर उससे पहले एक रस्म होती है जिसमें जो सास होती है उसको मनाना होता है और जो डॉली मासी थी उनको मैंने मनाया, वो रूठ के जाती हैं, फिर उनको बुलाना होता है, फिर उसके बाद परम ने भी उनको बुलाया, महर नहीं बुला पाई और फिर उसके बाद जब हम गृह प्रवेश के बाद एक रस्म होती है गाने की जिसमें गांठ को खोलना होता है जो कि भाभी बांधती है ग्रूम के हाथ में और उसको ब्राइड को खोलना होता है तो कुछ बहुत सारी गांठें होती हैं, बहुत टाइट बनती हैं और उसको बहुत कोशिश होती है तो वो वाली अगर वो खोल लें तो फिर वो जीत जाती हैं, उनको कुछ शगन मिलता है उसका और फिर उसके बाद एक रिंग वाली होती है जो कि आपने देखा रिंग्स की एक सेरेमनी हो रही थी जिसमें रिंग्स को ढूंढना होता है पानी के अंदर परात में पानी और दूध डाल के, तो वो वाली एक सेरेमनी थी उसमें महर जी दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन जीत महर की हुई है और वजह आप जानते हैं? जी हाँ, वजह तो आप भी जानते हैं, वजह एक ही था, वो जो उनका एक स्पेशल वेपन है परम, परम की वजह से वो जीत गई। तो अभी से ही रुझाव परम का महर की तरफ इतना ज़्यादा है कि उन्होंने पूरा साइडलाइन कर दिया है, तो ये अच्छी ही बात है इन अ वे कह सकते हैं आपके लिए। परम बिकॉज उनमें परम को अपना दोस्त दिखाई देता है एक माँ के रूप में जो कि परम को हमेशा चाहिए थी और फाइनली वो उनको मिल गई, इसलिए वो बहुत खुश हैं और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हर चीज़ में वो महर का साथ दे। क्योंकि चलिए शादी तो हो गई, एक तो आप लोग हो गए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े से फासले हैं दरमियान, तो क्या लगता है कि परम वो कड़ी बनेगा जो आप लोगों के फासले दूर कर दे? आई होप सो, ऐसा हो, बट आई डोंट नो हाउ द स्टोरी विल डेवलप, बट जैसे डेवलप होगी उस हिसाब से ही आई थिंक आगे सारी प्रोसीडिंग होगी। क्योंकि लास्टली कितना एंजॉय कर रहे हैं सारी रस्में जो पूरे? इट्स अमेजिंग, मैंने तो खुद, मेरी तो शादी हो चुकी है सो ये सेम चीज़ें हुई थी और वो दोबारा से हो रही हैं, पर एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था, मैं बताता हूँ आपको कि जब हमारी शादी हो रही थी तो वो जो शादी वाला सीक्वेंस था उसमें जो पार्टी आए थे वो रियल थे, जो ग्रंथी होते हैं ना, तो वो पूरी रस्में ना असली में पढ़ने लग गए थे, उनको किसी ने बोला नहीं तो सारे लामा, तो मैंने उनको जाकर बोला, मैंने कहा भाई साहब प्लीज़ आप ना ये रियल वाली लामा मत पढ़ो, थोड़ा बीच में चेंज कर दो नहीं तो शादी असली में हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।